ये जो बिजनेस वाले क्या होते हैं आपस में जुड़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक श्री तुलसी खरीदा और आपने उस श्री तुलसी को यूज करने के बाद श्री तुलसी के फायदे किसी को शेयर किए, क्योंकि आपको पता है कि श्री तुलसी पांच प्रकार की तुलसियों का अर्थ है, जिसमें राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, नीम तुलसी, स्वयं तुलसी, तुलसी सब क्या उसमें मिली हुई है और उसका अर्थ क्या किया गया है, आसमान विधि से निकाला गया है। आज तक हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स गया है, चाहे वो हवा से गया हो, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गाड़ियों का धुआं है, फेफड़ों में जाता इकट्ठा होता है, फेफड़ों से ब्लड में जाता है, ब्लड से कहीं ना कहीं किसी हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन से इकट्ठा होता है, और जब वो ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी भयानक बीमारी को जन्म देता है। देता है, देता है, देता है। उसके बाद पानी देख रहे हैं आप, शहरों का जो सीवेज वाला पानी, भयंकर पानी गंदा है, नीचे से गंगा नाला बह रहा है, ऊपर भगवान का मंदिर, ऊपर साइड में खाने पीने का सिस्टम, वहीं पे पानी सब कुछ है, तो वो पानी क्या हो चुका है, पूरी तरह से एसिडिक हो चुका है, जहरीला हो चुका है। वो पानी पीने से हमारे बॉडी में जहर बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद है खान पान, जिसको हम बोलते हैं अनाज, अपना अन्न सब्जी फल हो गया, ठीक है ना। आज की डेट में सबसे बड़ा जहर यही है ना। आज का हमारा किसान क्या इस्तेमाल करता है, क्या पेस्टिसाइड, कीटनाशक, और दूसरी चीज यूरिया डीएपी है ना। तो ये यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जा रहा है। टॉक्सिन्स को क्या कहते हैं, केमिकल, और ये बॉडी में कहीं ना कहीं इसकी एक लिमिट होती है कि अगर आप जो है पानी, गाड़ी होती है, गाड़ी की स्पीड अगर 100 से ऊपर बढ़ी तो एक्सीडेंट होता है, नहीं होता है, होता है ना। पानी को जो है 100 से ऊपर ज्यादा गर्म कर दो, थोड़ा सा अगर हाथ में गिर गया तो हाथ जल जाएगा, देखा ना, 100 डिग्री सेल्सियस से जी। तो ऐसे जो होता है एक लिमिट होती है हर एक चीज की, तो वैसे ये बॉडी का टॉक्सिन लेवल जैसे ही बढ़ जाता है तो नई नई बीमारियां जन्म लेती है। कोविड-19 आप देख रहे हैं, इसका मेन रीजन है कोविड-19 को खत्म करना है तो हमें पुराने टाइम पे वापस जाना पड़ेगा। आयुर्वेद को हमें जो है इग्नोर ना करते हुए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। हम आज भी अगर जो है केमिकल फ्रेंड चीजें खाएंगे, मिलावट वाला जो है अनाज खाएंगे, मिलावट वाले हम जो तेल, हम मिलावट वाली चाय पत्ती खाएंगे, तो ये सभी जो चीजें इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है, बॉडी में भयंकर टॉक्सिन बढ़ रहा है। तो तुलसी का काम यही है कि सारी गंदगी क्या कर देती है, एक स्लो प्रोसेस होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, वो प्रोसेस सारी गंदगी साफ कर देती है।